हमसे हाथ मिले, हाथ मिले। ये इजराही हो रहा है, ये इजराही हो रहा है। ये सबको, सबको दें, सबको यहाँ दीजिए, स्टेज पे दीजिए सबको, यहाँ स्टेज पे आ दीजिए ना, स्टेज पे दिया जाए। हजरात रस्म इजरा अगरचे कोई मनसूस, खड़े हो जाएं, रस्म इजरा अगरचे कोई मनसूस अमल नहीं है, ताहम इस वक्त उलमा के दरमियान मुसन्निफ़ की हिम्मत अफजाई और तशजी के लिए इल्मी रिवायत के तौर पर यह अमल अंजाम दिया जाता है, ताकि मुसन्निफ़ की तशजी हो सके और शुरका के लिए महमेज का काम कर सकें। जनाब मौलाना सुहेल साहब नदवी हमारे दरमियान मारूफ व मशहूर हैं, इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने इब्तदाता अरबी ششم دار العلوم حاذا में तालीम हासिल की है और अपने असातिज़ा से कस्ब फैज़ किया, और बुज़ुर्ग वालिद जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद वाहिदुद्दीन साहब नदवी रहमतुल्लाह के साबिक़ उस्ताद व अदब दार العلوم حاذا के ज़ेर साया तरबियत पाई, फिर दार العلوم नदवतुल उलमा से आलमियत व फजीलत की आला तालीम हासिल की। उसके बाद स्कूल से एस एल सी का कोर्स मुकम्मल किया, फिर दार العلوم حاذا में उलिया दर्जात में 10 साल से ज़्यादा का अरसा उन्होंने गुजारा है। इस दरमियान उनके इल्म के अंदर पुख्तगी और सलाहियत में बालिदगी आई, अपनी ज़ाती मेहनत और मुताला से नेपाली ज़ुबान व अदब की अच्छी इस्तेदाद पैदा कर ली है। उनका कलम सलीस और सुस्ता है, अदब व शायरी के कूचे से भी वाकिफ़ हैं और फ़न्नी गिरफ्त रखते हैं। उन्हें इस बाब में अव्वलियत हासिल है हम तमाम नूरी नदवी अहबाब में जितने भी अब तक हैं, कि उनकी तीन पुश्त जो मुकम्मल नूरी नदवी हो चुकी है। हज़रत मौलाना वाहिदुद्दीन साहब नदवी बाज़ाब्ता नूरी नदवी थे, मौलाना सुहेल साहब नदवी बाज़ाब्ता नूरी नदवी हैं, मौलाना सुहेल साहब के फर्जंद मौलवी फुज़ैल भी बाज़ाब्ता नूरी नदवी हो गए हैं। तो इस बाब में उन्हें अव्वलियत हासिल है कि तीन पुश्त उनकी नूरी नदवी से गुजर चुकी है। दूसरे नंबर पर हमारे इल्म के मुताबिक मौलाना अब्दुल हसीब साहब हैं, कि उनके साहबजादे भी नूरी नदवी कर लिया, मुकम्मल कर लिया उन्होंने। उनके वालिद हज़रत मौलाना अब्बास साहब नदवी साबिक मोहतमिम दार उलूम नूरी सनम हाज़ा रहमहुल्लाह थे, और उनके फर्जंद मौलाना अब्दुल हसीब साहब हैं, और फिर उनके साहबजादे फैज़ान ने भी मुकम्मल तालीम हासिल कर ली है, लेकिन मौलाना सुहेल साहब को इस बाब में अव्वलियत हासिल है। और मौलाना इस वक्त कतर में हैं और अपनी ड्यूटी के साथ कलम व किरतास के साथ भी रिश्ता उस्तवार किए हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए और मज़ीद इस तरह की खिदमात अंजाम देने की उन्हें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और भी चंद किताबें हैं जो मुसव्वदा की शक्ल में हैं, उन्होंने तैयार कर रखा, आते आते उन्होंने मेरे पास जिक्र किया कि उसका भी तज़किरा कर दीजिएगा इंशाअल्लाह। अगर यही हमारे अहबाब का ताल्लुक रहा और मोहब्बत का इजहार रहा, तो इंशाअल्लाह मौलाना सुहेल साहब ने अपने मकाले में जिन मकासद का और जिन आला और अरफा सोच का उन्होंने इजहार किया है, इंशाअल्लाह वो सब पाए तकमील तक पहुँचेंगे। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं मौलाना के और आप हजरात के, कि आपने इस अमल को अंजाम दिया है। अब हम स्टेज की तरफ रुख करते हैं और तासुरात के लिए अब अपने चंद मुंतखब और मखसूस मेहमानों को दावत देना चाहते हैं कि आप आएंगे और अपने मुख्तसर अंदाज में तासुर के कलमात पेश करेंगे। मैं नाम लेता हूं, सबसे पहले मैं जनाब मौलाना अबुल बका साहब नदवी मक्की नायब सदर मरकज़ उन्नूर लिलबास व नशर को दावत देता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और मुख्तसरन अपने तासुरात का इजहार फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد स्टेज पर बैठे हुए दार العلوم نور الإسلام जलपापुर के नाज़िम मोहतरम जनाब मौलाना الحاج أيوب صاحب ندوی حفظه الله अल्लाह ताला उनकी को सेहत व आफ़ियत के साथ तादेर उनके साए को हमारे ऊपर कायम रखे, और दीगर असातिज़ाए किराम और उलमाए किराम की ये जमात जो इस वक्त हमारे सामने है। बड़ा अच्छा हुआ कि मौलाना उस्मान साहब ने यह कहा कि आपको ख़िताब नहीं करना है, आपको तासुर पेश करना है। तो तासुर पेश करने के लिए तो हम सबसे पहले आपको मरकज़ नूर की तरफ से कुछ बातें आपके सामने रखेंगे, कि मैं भी उस कारवां में शामिल था जिसकी तफसील अभी आपके सामने मौलाना सुहेल साहब ने तफसील के साथ
और मौलाना उस्मान साहब ने अपने अछूते अंदाज में, जो इनका वाकई एक अंदाज है कि जब वो स्टेज पर आते हैं तो महफिल पर छा जाते हैं और उनका लबो लहजा बड़ा ही पसंदीदा होता है और मैं बहुत ही गौर के से उनकी बातों को सुनता हूं और उनको पढ़ता भी हूं और उनकी सारी तकरीरें मैं सुनता भी हूं। बड़ी मुफीद बातें होती हैं, बड़ा ही अच्छा अंदाज़ होता है उनका। अल्लाह ताला उनको सलामती के साथ तादेर हमारे दरमियान कायम रखे। मरकज़ुन नूर जो एक नशरो तहक़ीक़ का एक इदारा है, सही बात तो यह है कि कौमें अपने तहक़ीक़ और नशरियात के साथ ज़िंदा रहती हैं, उनको जाना जाता है, उनको पहचाना जाता है, और जिस कौम के अंदर ये सिफत और ये कैफियत मादूम हो जाती है फिर वो कौम मिटती है और मिटती चली जाती है। ज़िंदा कौमों की अलामत ये होती है कि वो अपने असलाफ़, अपने बुज़ुर्गों और अपने अकाबरीन के कारनामों को महफूज करती है ताकि उनके आने वाले नस्ल उससे मुस्तफीद हो सकें और उस डगर पर अपने आप को चला सकें और उस खाके में रंग भर कर अपनी ज़िंदगी गुजारने का एक सामान मुहैया कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि दारुल उलूम नूरुल इस्लाम जलपापुर के ज़िम्मेदारों ने, यहाँ के असातज़ा ने और सबसे बढ़कर हज़रत नाज़िम साहब हफ़िज़हुल्लाह ने बहुत ही शानदार और वालेहाना हम लोगों का इस्तकबाल किया। जब जब भी हम लोग मरकज़ अन्नूर की दरख्वास्त लेकर उनकी खिदमत में हाज़िर हुए और बहुत ही हिम्मत अफज़ाई उन्होंने फरमाई है। अब ज़रूरत है हमारे अहबाब की, जो हमारे इस कारवां के रूह रवां हैं और जो लोग हमारे साथ शामिल हैं वो अपनी सलाहियतों को निखारें, उभारें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इस में लगाएं ताकि उनकी जानिब से कीमती सरमाया हमारे इस मरकज़ अन्नूर लिन्नश व तौज़ी की जानिब से एक मुनज़्ज़म शक्ल में और एक ऐसी शक्ल में कि जिससे हमारे आने वाली नस्लें हमसे मुस्तफीद हो सकें, हमारे कारनामों को जान सकें, हमारे दारुल उलूम को जो तकरीबन 70-72 साल का अरसा गुज़र चुका है उनकी तारीख़ मुरत्तब हो, उनके उलमा जो हमारे दरमियान से गुज़र चुके हैं उनकी तारीख़ मुरत्तब हो, इंशाअल्लाह ये काम होगा तो हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत ही बड़ा कारनामा उनके सामने होगा। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इन ज़िम्मेदारों को हौसला दे जिन्होंने आगे बढ़कर इन काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, सोचा है, और हमारे इन ज़िम्मेदारों को, हमारे बुज़ुर्गों को जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है, अल्लाह ताला उनके साए को तादेर हमारे दरमियान कायम रखे। इंशाअल्लाह हमारी जानिब से, आपकी जानिब से जो भी किताबें मंजर आम पर आएंगी इंशाअल्लाह वो सदक़े जारिया के तहत हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेंगी और उनसे आने वाली नस्लें मुस्तफीद होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मरकज़ को खैर का सबब बनाए और अल्लाह ताला हमारे दरमियान जितने भी अहबाब हैं उनको इस्तेकामत नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद की वीडियो है। यहाँ पर मौजूद हाजरीन इस मजलिस में इजरा होने वाली किताब को जगत दयालु को हाथों हाथ ले रहे हैं और अपनी जानिब से इस मरकज़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। दोस्तों, अगली वीडियो में इस मौके पर जनाब मौलाना उस्मान नदवी साहब दामत बरकातहुम की जानिब से जो पुर असर तकरीर की गई इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद चंद बड़े लोगों के तासुरात भी मौजूद हैं। अगर आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो उसको भी ज़रूर शेयर करेंगे।